सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि टॉगल या स्विच बटन कैसे क्रिएट करते हैं फ्लटर के अंदर। अगर मैं आपको डेमो दिखाऊं ना, देखो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा टॉगल बटन यहाँ पर। तो ये हम लोग स्विच ऑन ऑफ यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आपको दिखाऊं ना, यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो नीला वाला बटन है ना, ये क्या है, डिफॉल्ट है, जो हमको फ्लटर प्रोवाइड करवाता है। और जो ये नीचे वाला चीज़ है ना, ये हम लोगों ने क्या किया, कस्टम यहाँ पर क्रिएट किया। तो देखते हैं कि हाँ, एक टॉगल बटन डिफॉल्ट स्विच या टॉगल बटन कैसे क्रिएट करते हैं, या हम लोगों को एक कस्टम टॉगल बटन क्रिएट करना ना, तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको कट कर लूँ यहाँ से, यहाँ पर आ जाता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ये किया था। अब क्या करूँ यहाँ पर कि एक फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, टॉगल बटन करके यहाँ से। और ये क्या होने वाला है, ऑब्वियसली बात है, एक स्टेटफुल विजेट होने वाला है यहाँ से। तो क्या कर लो, एक क्लास क्रिएट कर लो, टॉगल बटन स्क्रीन कर दो यहाँ पर, और इस एक्सटेंड कर देगा इसको स्टेटफुल विजेट को यहाँ से। अब मुझे एक मेथड को ओवरराइड करवाना है यहाँ से, और एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो इजली। देन यहाँ से अब क्या करो, एक क्लास और क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ पर, जो कि हमारा है टॉगल। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक ना रिटर्न टाइप लिखना है, और वो चीज़ को सेंटर में लेके आना है। तो कैसे सेंटर में लेके आऊँगा, एक पहले ना कंटेनर पास कर दो यहाँ से, जिसका जो हाइट और ये इन्फिनिटी होगी, और विड्थ भी इन्फिनिटी होगी, और जो इसका चाइल्ड होने वाला है ना, वो एक कॉलम पास करेंगे, ताकि मेरे को, क्योंकि दो मुझे डेटा को शो करवाना है। तो हम लोग कॉलम पास किए एंड चिल्ड्रन। चलो अब इस कंट्रे को क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक साइज़ बॉक्स भी कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे। देखो अगर जैसे ना, अगर हम लोग को यहाँ पे कलर प्रोवाइड नहीं करवाना ना कंटेनर का अपना, तो हम लोग क्या करेंगे, साइज़ बॉक्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइज़ बॉक्स यहाँ पे क्या करता है, कलर प्रोवाइड नहीं करवाता हमारे स्क्रीन के लिए यहाँ से। तो क्या करूँ, इसको मुझे टॉगल बटन स्क्रीन को कॉल करना पड़ेगा कहाँ पर, अपने मेनू डॉट फाइल के अंदर। तो क्या कर दो, यहाँ से टॉगल बटन स्क्रीन को कॉल किया, बस मेरा काम बन गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो देखो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे अभी मुझे कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन अब मुझे क्या करना है, देखना कि टॉगल बटन क्रिएट कैसे करने वाले। देखो चिल्ड्रन में जाओगे तो अगर हमें एक देखेंगे ना कि फ्लटर हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, तो देखो क्या करेंगे, स्विच करेंगे। स्विच नाम का क्या होता है, एक विगेट होता है यहाँ से, बस काम बन गया यहाँ पे। अब ये स्विच क्या करेगा, उसको क्या करेगा, एक स्विच, एक टॉगल बटन क्रिएट करने का काम कर देगा यहाँ पे। तो ये लेता है पहला वैल्यू, और देखो ये बेसिकली बूलियन वैल्यू लेता है यहाँ पर, कि आपको क्या हो, देखो यहाँ पे हुआ करूँगा ना, तो ये कहता है बूलियन वैल्यू चाहिए यहाँ पे। जैसे हम लोगों ने अपना देखा था रेडियो बटन के अंदर या चेक बॉक्स के अंदर, तो सेम वैसे ही काम करेगा ये। तो क्या करो, ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट कर दो पहले, तो इसका नाम क्या है, बूलियन टाइप का होने वाला है, और ये करेंट स्टेट लेने वाला है। मान लो मैंने बाय डिफॉल्ट फॉल्स पास कर दिया इसको। अब यह करना है, यहाँ पर आना, इधर आप फॉल्स पास कर दो, एंड ऑन चेंज के अंदर क्या लेगा, ये रिटर्न करवाएगा ट्रू और फॉल्स यहाँ पे। तो वैल्यू मैंने पास किया, और ये यहाँ पर सेट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज इसको कॉल करेंगे तभी हमारा स्टेट चेंज हो पाएगा यहाँ से। तो क्या कर दो, ये करंट स्टेट इक्वल टू पास करके यहाँ पर मैं इस वैल्यू को कॉल करने वाला हूँ। चलो अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ मेरा क्या हो चुका, टॉगल बटन आ चुका है, और इस पर क्लिक करने पर देखो ये कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये बस एक बार चेक कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ मेरे को करंट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा, करंट। एंड यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो तो ये ट्रू फॉल्स आराम से मस्त हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम एक टॉगल बटन क्रिएट करते हैं, जो कि सच में ईजी था काम करना। ये तो एक्चुअली डिफ़ॉल्ट हो गया कि हाँ हमें फ्लटर क्या चीज़ प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर। लेकिन अगर बात आती है ना कि कभी कस्टम क्रिएट करना हो, इस टाइप को मुझे टॉगल बटन नहीं देना स्क्रीन के अंदर, मुझे कस्टम क्रिएट करना, तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे वो भी देखते हैं यहाँ पर। तो क्या करो, यहाँ पर एक बार ना इसकी देखते हैं प्रॉपर्टी कौन कौन सी लेता है अपने स्विच अपने अंदर। देखो बहुत सारे प्रॉपर्टी आते हैं यार, मतलब सच में बहुत इजी सा, कुछ नहीं करना है, एक्टिव कलर, इनएक्टिव कलर यहाँ पर। तो इसको तो एक्चुअली देख ही सकते हो कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, जो कि जैसे हमारा होता है ना चेक बॉक्स हो गया, या हमारा जो भी रेडियो बटन हो गया, जैसे उसकी प्रॉपर्टी होती है ना, सेम इसके पास भी वही प्रॉपर्टी होती है कलर का करने का यहाँ पे। तो एक बार चेक कर लेना कि कलर, ये कलर देने पे क्या प्रॉपर्टी आ रही है नहीं आ रही। हम लोग फोकस पता किस पे करते हैं, हम लोग करते हैं कस्टम कैसे टॉगल बटन क्रिएट करने वाले यहाँ पे। तो एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, कि ये देखा होगा ना यहाँ पर कस्टम टॉगल बटन पे, कि ये कुछ इस टाइप का दिखने वाला, कि हाँ। तो ये चलो सपोज हम लोग ये वाला क्रिएट करने का काम करते, तो ये कैसे क्रिएट करने वाले, देखो अब यहाँ पे नोटिस किया ना, एक पहले वाइट सर्कल आ रहा है, और वाइट सर्कल के नीचे यहाँ पर एक और आ रहा है,
सर्कल, मतलब सर्कल नहीं मतलब राउंडेड कुछ रेक्टेंगल बॉक्स है यहाँ पर, वो आ रहा है। तो पहले क्या करते हैं, वाइट सर्कल को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को क्रिएट, देखो क्या करते हैं, पहले हम सब कुछ हम कस्टम काम करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं किसे करते हैं, इस वाइट वाले सर्कल से करते हैं। तो क्या करो, पहले एक विकेट कर दो यहाँ पर, एक फंक्शन क्रिएट कर लो विकेट टाइप का, और ये करेंगे कस्टम कस्टम वाइट सर्कल करके मैंने क्या किया, एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यह करो, इसका जो रिटर्न करवाना पड़ेगा यहाँ से, अभी अगर इसने हमें नोटिस किया होगी ना, तो ये कस्टम जो ये सर्कल दिख रहा है ना, उसमें हल्की सी पैडिंग है, हल्की सी बाहर से थोड़ी मार्जिन दी गई है, तो उसको पहले दे देते हैं यहाँ पे। तो वो कैसे देंगे, देखो यहाँ पे करता हूँ एक पैडिंग नाम का, देखो पैडिंग नाम का मैं करता हूँ एक विकेट कॉल कर लिया, और यहाँ से पैडिंग देना है मान लो। तो मैं करता हूँ यहाँ से पैडिंग कितने देता हूँ, एच इंसर्ट्स डॉट ऑन करके ना यहाँ पे 5 dp जो है ना मैं पैडिंग प्रोवाइड करवाता हूँ, और एक चाइल्ड दे देते हैं यहाँ पे कि चाइल्ड क्या होने वाला है। देखो चाइल्ड जो होने वाला है ना, ये सर्कल होने वाला है। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, देखो उसके लिए कुछ मत करो, एक सिंपल सा कंटेनर कॉल कर दो यहाँ पे। अब कंटेनर कॉल कर दिया, यस। अब इसका वेर्थ और मुझे हाइट भी प्रोवाइड करवानी, तो वो कैसे करेंगे, देखो मान लो वेर्थ इसकी मान लो मैं 20 देता हूँ, और जो हाइट है भी मैं इसकी 20 दे देता हूँ। अब आ जाती है यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने की। तो बैकग्राउंड कलर जो है ना इसका कलर, सॉरी कलर जो है ना, ऑब्वियसली बात है ये वाइट आने वाला है, तो वाइट हम लोगों ने कॉल कर दिया, ठीक है। अब आती है इसकी चाइल्ड के बारे की, हाँ इसके अंदर चाइल्ड कौन सा आने वाला है यहाँ पर। तो चाइल्ड तो एक्चुअली हमें कुछ देना भी नहीं है, ऑब्वियसली बात है। तो हमें यह करना है, इसकी थोड़ी डेकोरेशन करनी है कि भाई सर्कल और फॉर्म में भी तो आना चाहिए, तो डेकोरेशन कर दो। और ये पाता है यहाँ पर बॉक्स डेकोरेशन करके यहाँ से, और आता है फिर बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस डॉट करके यहाँ पर एक आता है सर्कुलर शेप। यहाँ पर बॉर्डर रेडियस ना पास करके क्या कर सकते हैं हम लोग ना, एक शेप होता है शेप प्रॉपर्टी, तो शेप में क्या कर सकते हैं यहाँ पर बॉक्स शेप डॉट करके यहाँ पर सर्कल। तो अब इससे एक्चुअली क्या होगा ना यहाँ पर, कि हमारा जो शेप हो जाएगी वो सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी। देखो हमारा पहला तो काम बन गया, हम लोगों ने पहला काम कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, सेकेंड ये करना है कि ये जो पिंक वाला पार्ट दिख रहा है ना, पिंक पार्ट, वो भी मुझे क्रिएट करना। तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करना है, देखो वो बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है। क्या करना है यहाँ पर, कुछ मत करो, एक तो क्या करो यहाँ पर पहले एक विकेट क्रिएट कर दो, जिसका नाम क्या है, कस्टम कस्टम टॉगल बटन करके। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिटर्न करवाएंगे, और सबसे पहले क्या कर दो यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पर ना एक कंटेनर ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंटेनर कॉल करेंगे यहाँ पर, अब कंटेनर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब कंटेनर का क्या करना है, इसकी हाइट और विड्थ देनी है यहाँ पे। तो देखो हाइट तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ विड्थ ही दूंगा। विड्थ मैं करता हूँ 50 पास करता हूँ। हाइट आपकी रैप कंटेनर रहेगी, जितना उसका साइज होगा उतना ही रहेगा, और मुझे कुछ करना भी नहीं है, विड्थ प्रोवाइड कर दी। अब बारी आती है कि इसके कलर की बारी आती है, जैसे कलर की, तो कलर पर अब तो अब मैं करता हूँ इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन, इसके फंक्शन में कुछ चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, कि अब मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि सेलेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, या उसकी वैल्यू को अपडेट भी करना, वो भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो क्या करूँ, ऊपर आओ और ना एक सेलेक्टेड टाइप का क्या करता हूँ मैं, एक बूलियन वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये एक्चुअली क्या है, एक बूलियन वैल्यू होने वाला है। तो बूलियन वैल्यू इसलिए कर रखा गया कि इंडिकेट कर सके कि वैल्यू में ट्रू है कि फॉल्स है, ध्यान रखने की बात है। तो क्या करूँ, एक बूलियन टाइप का ये होने वाला है, ये कर दिया। अब क्या करो, इसको यहाँ पर देखो पहला पैरामीटर हो गया, सेकंड पैरामीटर क्या है कि उस पर क्लिक करने पे डेटा को मुझे अपडेट भी तो करना है, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, ये सब चीज़ें करनी है। तो क्या करो, एक ऐसा फंक्शन बनाओ ऊपर जो कि हाई ऑर्डर फंक्शन होने वाला है, जो अपने अंदर बूलियन लेगा। तो ये फंक्शन बना दिया बूलियन जो अपने अंदर लेगा, और इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑन वैल्यू चेंज करके, ठीक है। अभी देखो मुझे क्या करना है, ये मैं 2 मैंने पैरामीटर कर दिया यहाँ पर। अब बारी ये आती कलर का, मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ मैं बोलूँ ना यहाँ पर कि जैसे मेरा सेलेक्टेड है, अगर कलर की मेरे को वैल्यू, देखो कलर देखोगे ना यहाँ पे, तो अगर सेलेक्टेड पे क्या है कि पूरा पिंक हो रहा है, और वो और अगर अनसेलेक्टेड में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे कि फेड कलर आ जा रहा है यहाँ पे। तो क्या करना है उसके लिए, देखो ध्यान से देखो, एक कंडीशन लगानी है हमको, अगर सेलेक्टेड है तो क्या कर दो, पिंक कलर पास कर दो, सेलेक्टेड अगर है ना यहाँ पर तो पिंक कलर पास कर दो, नहीं तो ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर लगा रखा है यहाँ पर, टर्नरी इस तरीके से टर्नरी काम करता है। तो सेकेंड क्या करना है यहाँ पर, पिंक करके, पिंक डॉट करके यहाँ पे शेड ना 100 पास कर दो। तो इससे हम लोगों ने थोड़ा काम कर दिया कि हाँ यार सेलेक्टेड है तो पिंक कर दो, नहीं है तो थोड़ा सा हल्का फेड कर दो उसको यहाँ पर। तो ये पहला काम बन चुका है। अब बारी ये आती है कि इस कंटेनर को मुझे अगर क्लिकेबल बनाना है, कि कंटेनर को क्लिकेबल हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे, देखो बहुत ईजी सा है। इसको पहले कट कर दो, और एक इंक वेल करके, इंक वेल करके एक चीज़ होती है यहाँ पर। अब ये ना इसके पास ना एक प्रॉपर्टी होती है ऑन टैप करके,
ठीक है, ये ऑन टैप पे होता है, समझे, ये ऑन टैप का काम कर दिया। अब एक होता है चाइल्ड, इसके अंदर कि मैंने चाइल्ड दे दिया यहाँ पर। अब मैं अगर मुझे कंटेनर पे क्लिकेबल लगाना है तो मैं ऑन वैल के थ्रू लगा सकता हूँ, और यहाँ मुझे वो सारा काम कंप्लीट करना है। तो देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इस टैब पे क्लिक करूँ ना, तो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो क्या करना है यहाँ पर, ऑन वैल्यू चेंज को कॉल करो, और मैं चाहता हूँ कि अगर ट्रू है तो फॉल्स करो, तो फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो क्या करो, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा और सेलेक्टेड को यहाँ पास कर दो, और मेरा काम बन चुका। देखो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अपना वैल्यू को अपडेट कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखो पहले से अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे, बटन पे क्लिक करने पे ट्रू फॉल्स चलता रहेगा इस तरीके से। चलो मेरा काम बन गया। अभी देखो मुझे क्या कनेक्शन करना है इसके। अब देखो कंटेनर, कंटेनर तो हो गया यहाँ पर, कंटेनर के अंदर क्या आ चुका है, ये वाइट सर्कल भी तो आएगा, तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे। देखो पहले क्या कर दो, बॉक्स डेकोरेशन, एक सौ डेकोरेशन देनी पड़ेगी। डेकोरेशन इसे देनी पड़ेगी बिकॉज अगर देखोगे ना यहाँ पे, जो तो पिंक वाला पार्ट है ना, उसमें भी कुछ यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर शेप आ चुका है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, बॉर्डर, ओके, बॉक्स डेकोरेशन को कॉल करना पड़ेगा, और यहाँ से आएगा बॉर्डर रेडियस, ठीक है, देन बॉर्डर रेडियस करके, तो बॉर्डर रेडियस डॉट करके ऑल पास करना है, एंड यहाँ से आएगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। सर्कुलर में क्या करना पड़ेगा मुझको, 16 पास करना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली रेडियस आएगा, यहाँ से रेडियस और सर्कुलर पास कर दिया। तो इससे एक्चुअली क्या होगा ना कि हाँ हमारा कुछ 16 dp का, 16 का राउंडर कॉर्नर आ जाएगा यहाँ से। तो ये परफेक्टली काम बन गया, और आई गेस कि मुझे और कुछ तो काम नहीं करना। चलो ठीक है, इतना काम हो चुका है, लेकिन मुझे क्या करना है अभी, मुझे चाइल्ड प्रोवाइड करवाना है। तो चाइल्ड के अंदर देखो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे ना, तो जैसे ही मेरा चीज़ें सेलेक्टेड है ना, तो ये जो सर्कल देखोगे ना वो राइट साइड आ रहा है, और अनसेलेक्टेड में क्या करो लेफ्ट साइड आ रहा है। तो इसकी मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ये हम लोग कैसे काम करेंगे, अगर आपने स्टैक देखा होगा ना यहाँ पे, तो हम लोग स्टैक में जो भी कंटेंट पास करते हैं ना, उसको कहीं भेजना है तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो क्या करो यहाँ पर, यह मुझे स्टैक लगाना पड़ेगा, स्टैक प्रॉपर्टी को कॉल कर दो पहले। स्टैक प्रॉपर्टी कॉल किया, यहाँ पे चिल्ड्रन पास कर दिया, दैट्स परफेक्ट। अभी क्या करो, इस चिल्ड्रन मैंने कॉल कर दिया, अभी क्या करना पड़ेगा कि इस चिल्ड्रन ने क्या करो यहाँ पे, ये सर्कुलर लिखा ना कस्टम स्पाइर सर्कुलर, इसको कॉल कर दिया, परफेक्ट। अब मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन मुझे इसकी पोजीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ अलाइनमेंट होता है। तो पहले कर दो कि सेलेक्टेड अगर है, सेलेक्टेड का मतलब अगर है ना, तो ये एंड में भेजना है यहाँ पे, तो टॉप एंड करते हैं यहाँ पर। तो टॉप यहाँ पर आएगा, एक मिनट, यहाँ पे अलाइनमेंट, सॉरी ये आता है टॉप यहाँ पर राइट के अंदर, टॉप राइट, नहीं तो एल्स पार्ट में क्या भेजो यहाँ पे, इसको स्टार्ट के अंदर, ठीक है, तो टॉप स्टार्ट, परफेक्ट। अब मुझे एक्चुअली कुछ नहीं करना, ठीक है, इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस कस्टम टॉगल बटन को जैसे ऊपर कॉल करके दिखाना है यहाँ पे अपने, इधर देखो यहाँ आएंगे और थोड़ा सा क्या करते हैं यहाँ पे साइज़ बॉक्स करके थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, मान लो 10 20 का दे देते हैं, यहाँ कॉमा दे दिया, एंड यहाँ से आओ कॉमा दे के। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस कस्टम टॉगल बटन को कॉल करना है। अब ये पहला पैरामीटर मारेगा सेलेक्टेड करके, तो करंट स्टेट को यहाँ पर कॉल करने वाले हैं, और यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, देखो यहाँ आएंगे और यहाँ पर सेट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी मैं करूँगा अपने स्टेट को ना चेंज कर पाऊँगा यहाँ से। तो कॉल कर लिया, एंड यहाँ पे क्या करूँ, जो करंट स्टेट है ना इसके अंदर ना, ये जो P0 है, P0 करके इसकी वैल्यू को स्टोर करवा दो यहाँ से, परफेक्ट। एंड अब मैं अगर रिफ्रेश करूँगा ना, ये देखा रिफ्रेश कर दिया, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास, डेमो यूट्यूब करके है यहाँ से। देखो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ हमने गड़बड़ कर दी है। तो गड़बड़ हमने क्या कर दी यहाँ पर, देखो ये कलर जो है ना मुझे यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि बॉक्स जो डेकोरेशन है ना मुझे वो कलर प्रोवाइड करवाता है अपने अंदर। तो क्या करो, इसको यहाँ से बस कट करके ना यहाँ पे ले आओ, काम खत्म। या लेकिन यहाँ मुझे बोला कि सिलेक्टेड में कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे कट करना है बस इस चीज़ को। और देखो यहाँ भी आगे क्या करना पड़ेगा मुझको, इसको भी कट करना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ मुझे इसको पेस्ट कर देना, बस मेरा काम करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो मेरा काम बन गया। अभी देखो ना इस पर क्लिक करके देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। तो अगर कभी भी किसी कस्टम जो कोई चीज़ क्रिएट करनी है, तो हम इस वे में बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं यहाँ पर काम, देखा। तो आई होप क्या कुछ चीज़ें समझ में आई होगी कि हाँ हम लोग कस्टम टॉगल बटन, या हम टॉगल बटन कैसे क्रिएट करते हैं फ्लटर के अंदर।